जय भोलेनाथ। सभी लोगों के ऊपर भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हमेशा बन के रहे। लाखों कांवड़िया हर एक साल सावन में देवघर जाया करते थे। इस बार वैश्विक महामारी के कारण जो कांवड़िया देवघर नहीं जा पाए, उनके दिलों से जो आह, जो आवाज़ बाबा के लिए निकलती है, उन शब्दों को बहुत ही खूबसूरत तरीका से, जिसको कह सकते हैं समसामयिक शब्दों के द्वारा, मेरे बड़े भाई साहब जगदीश महतो जी ने पिरोया है। इतना पसंद आया मुझे, मुझे लगा कि आप लोग तक भेजना चाहिए इन शब्दों को। पूरा का पूरा लिरिक्स आपको मिल जाएगा और ज़बरदस्त ट्यून में है। ये ट्यून सीख लेने के बाद आप बाद में भी चल के इस ट्यून में बहुत सारा चीज़ आप गा सकते हैं। बहुत ही शानदार है और शब्द जो अभी जो लिखे गए हैं भजन के द्वारा, एकदम करेंट सिचुएशन के ऊपर, तो निश्चित रूप से आप लोगों को सीखना चाहिए। पूरा का पूरा लिरिक्स आपको मिल जाएगा। आइए मैं एक लाइन पहले गुनगुनाता हूँ म्यूजिक पैटर्न के साथ, वो भी मैं बता दूंगा, बहुत ज़बरदस्त है। और फिर पूरा भजन का लिरिक्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और ट्यून बहुत सिंपल है, शुद्ध स्वरों में है, इसलिए सभी लोग गा सकते हैं। एक लाइन में गुनगुनाता हूँ। पहला लाइन सुनाता हूं, पूरा लाइन का लिरिक्स मिल जाएगा आपको। कर तो सब कुछ पहले जैसा होता रहे गुणगान जी, कर तो सब कुछ पहले जैसा होता रहे गुणगान जी, याद बहुत आती है कांवड़ यात्रा बाबा धाम की, याद बहुत आती है कांवड़ यात्रा बाबा धाम की। इसी थीम के ऊपर बना हुआ तमाम शब्द हैं, एक एक शब्द आपको बहुत पसंद आएंगे, इसकी गारंटी है। पूरा लिरिक्स आपको मैं बताने वाला हूँ इस भजन के अंदर, ये इस ट्यून के अंदर। और भी भजन, और भी लाइन, और भी फेमस ट्यून आप जोड़ सकते हैं बजाने के क्रम में, गाने के क्रम में। जैसे मैं एक ट्यून बजा के बीच में दिखाता हूँ, जिसको इंटरल्यूड म्यूजिक कहते हैं। फिर उसी भजन के अंदर आ गए, तो ये शानदार का कंपोजिशन आप लोग के लिए कहरवा ताल चल रहा है। और बाकी चीजें भी मैं चर्चा करने वाला हूं कि किस हिसाब से आप इसको बेहतर बना के गा सकते हैं। सीखने के बाद आपको ये किस हिसाब से आपको गाना चाहिए, पूरा का पूरा भजन, ये पूरा रिकॉर्डिंग है मेरे भैया और मेरी भतीजी की आवाज़ में, जगदीश महतो और दीपा कुमारी। दीपा कुमारी तो कभी कभी चैनल पर मैं डालते रहा हूँ, तो ये जो भजन रिकॉर्ड हुआ है, उन्होंने जो रिकॉर्ड किया है नॉर्मली ही इसी अभी पेंडेमिक स्थिति में, वो लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उनका चैनल भी सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, क्योंकि मंच परफॉर्मेंस में उनका बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान में, उनका जागरण होता है, कोई कोना छूटा हुआ नहीं है, हर एक जगह उनका कार्यक्रम होते रहता है। तो मंच परफॉर्मेंस किस स्टाइल में होना चाहिए, तो वो देखने को मिलेगा। जगदीश महतो के नाम से चैनल है, तो लिंक डाल दूंगा, इसी भजन का लिंक मैं डाल दूंगा, वो देखने को आपको मिलेगा, वो देख लीजिएगा। दोस्त
आइए इस ट्यून को देख लेते हैं। मैं अभी तीसरी काली से गा रहा था और कमाल की बात है सारे के सारे शुद्ध नोट लगे हुए हैं, बिलावल थाट इसको कह सकते हैं। ज्यादा ऊपर भजन नहीं जाता इसलिए सभी लोग मेल हो फीमेल हो जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं आप तीसरी काली को सा बना के आप इस भजन को गा सकती है। जैसे सारे गामा पाधा इससे ऊपर जाना ही नहीं है, सिंगिंग में नहीं जाना है, लेकिन आगे है म्यूजिक बजाने में आपको काम देगा। तो नी सा सा नी धा पा मा ग रे सा, मैंने कुछ स्पेशल ट्यून जो बीच में बजाया था उसमें तीव्र मौ का प्रयोग कर दिया था, वो एक एक्सेप्शन नोट। ओके, पहले भजन का अस्थाई अंतरा देखेंगे, लिरिक्स देखेंगे और फिर ट्यून जो बीच में बजाया है वो मैं सिखाऊंगा आपको। एकदम सिंपल सिंपल ट्यून है, पहला जैसे अस्थाई का लाइन है, अस्थाई में दो लाइन है, दो लाइन का नोटेशन देखिए। पहला लाइन है कर दो सब कुछ पहले जैसा होता रहे गुण गान जी। अब देखिए कि एक ही जगह बहुत घूम रहा है, मुश्किल नहीं है, मैंने कहा एकदम सिंपल ट्यून के अंदर है। नोट इसका निकालिएगा इस सा के हिसाब से, सा रे ग म प प म ग, इसमें घूम रहा है पहला अस्थाई का पहला लाइन। प प प म म ग प प प म म ग प प प म म ग म ग ग रे, इतना ही में है पहला लाइन। कर दो सब कुछ पहले जैसा हो, लेकिन यहाँ यहाँ से चढ़ना है, कर दो यहाँ से लीजिएगा ग प प प म म ग ग प प प म म ग ग प प प म म ग म ग ग रे, ये शुद्ध ट्यून बना। कर दो सब कुछ पहले जैसा होता रहे गुण गान जी। ओके, अस्थाई का सेकेंड लाइन, याद बहुत आती। अब इतना देर यहाँ रुके तो आप लोगों को पहले से पता है कॉर्ड लेंगे, जहाँ स्टे करेंगे ये कॉर्ड ले सकते हैं, इस सा से सा ग प ग कॉर्ड। याद बहुत आती है, याद बहुत आती है कांवड़ यात्रा बाबा बाबा धाम की। नोट निकालते हैं तो सा 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 रे मा मा प ग रे ग ग रे ग रे सा रे सा सा। अब जब कांवड़ यात्रा की बात को चाहे तो रिप्लेस भी कर सकते हैं, शब्द को वहाँ चेंज कर सकते हैं, वो भी कोई भी शब्द आप जोड़ सकते हैं प्रभु के लिए। याद बहुत आती है तेरे बाबा तेरे, ये सब ऐसा जोड़ सकते हैं। याद बहुत आती है हमको बाबा तेरे धाम की, ऐसा ट्यून बना सकते हैं। तो कांवड़ के लिए गा रहे हैं, कांवड़ यात्रा की याद आती है तो ये भावना इसमें व्यक्त किया गया है, लेकिन ऐसा भी ट्यून आप शब्द जब कांवड़ यात्रा का सिचुएशन ना रहे फिर भी गाने की इच्छा हो तो ऐसा कर सकते हैं। ओके, अब एस्टेंजा का ट्यून देखिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लिरिक्स के साथ आपको गाना है, लिरिक्स आपको मिल ही रहा है, तो ट्यून क्या है ये देखिए, सांस से लीजिएगा सारे माम प ग रे ग ग रे ग रे सारे सा सा। फिर से देखिए सा 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 सारे ग ग माम प ग रे माम प ग रे ग ग रे ग रे सा रे सा सा। यही ट्यून, इस ट्यून के अंदर एक स्टेंजा अभी मैं देखिए कितना जबरदस्त का है लाइन, इसके मैं गुनगुना के दिखाता हूँ। ऐसा चस्का लगा दिए हमें बना कर कांवड़िया, अब ये कौन सी लीला है बंद कर ली
बहुत ही शानदार समसामायिक, मैंने कहा कि एकदम जबरदस्त है। ऐसा चस्का लगा दिए हमें बना कर कांवड़िया, वही ट्यून है, ऐसी ट्यून में। अब ये कौन सी लीला है बंद कर लिए मंदिरिया। ओके, और उसके बाद फिर अस्थाई वाला ट्यून में जाएंगे, जो जिस ट्यून में अस्थाई गए। क्या था ट्यून? ऐसी वैसी नशा नहीं ये, नशा है तेरे नाम की। ऐसी वैसी नशा नहीं ये, नशा है तेरे नाम की। याद बहुत आती है कांवड़ यात्रा बाबा धाम की। याद बहुत आती है कांवड़ यात्रा बाबा धाम की। ये ट्यून में, ओके। लिरिक्स आप बहुत सारे लोग नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा लिरिक्स गुनगुना के दोनों दो स्टेंजा और हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों स्टेंजा का लिरिक्स मैं गुनगुना दूँ, ताकि आप चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे अभी सेकंड अंतरा जो है इसका, इसमें भाव है कि कोई ना कोई गलती हम लोगों से हुई है, जिसकी सजा ही है ये। नेचर तो सजा ही देती है, प्रभु तो सजा ही देते हैं। तो ये इसके बाद का स्टेंजा, सेकेंड स्टेंजा में आप लिख सकते हैं, लाइन है, किसकी गुनाहों की सजा हम कांवड़िया भुगत रहे, किसकी गुनाहों की सजा हम कांवड़िया भुगत रहे। उसके बाद सावन में कुछ दिन तुम्हारे नगरी में हम घूमत रहे। फिर से सुन लीजिए, सावन में कुछ दिन तुम्हारे नगरी में हम घूमत रहे। और लास्ट लाइन है इस स्टेंजा का, दिखता है आँखों में नज़ारा, दिखता है आँखों में नज़ारा हर सुबह हर शाम की। और याद बहुत आती है कांवड़ यात्रा बाबा धाम की। उसके बाद आखिरी स्टेंजा का लिरिक्स है, ये अभी जो मैं बोला हूँ उसको पहले गुनगुना के देख लीजिए, वही ट्यून है, ट्यून ने बदला है। किसकी गुनाहों की सजा हम कांवड़िया भुगत रहे, सावन में कुछ दिन तुम्हारे नगरी में हम घूमत रहे। दिखता है आँखों में नजारा हर सुबह हर शाम की, दिखता है आँखों में नजारा हर सुबह हर शाम की। याद बहुत आती है कांवड़ यात्रा बाबा धाम की। ओके, उसके बाद आखिरी जो स्टिंजा है, तीसरा स्टिंजा मेरे भाई साहब ने लिखा है, बहुत शानदार, उनका जब भी वो लिखते हैं कोई भजन तो बहुत शानदार लिखते हैं शब्द। आखिरी शब्द हैं, ओ दुनिया के रखवाले सुनो भगत की प्रार्थना, ओ दुनिया के रखवाले सुनो भगत की प्रार्थना। उसके बाद भूल क्षमा कर दो जगदीश बहुत सह लिया यातना, भूल क्षमा कर दो जगदीश बहुत सह लिया यातना। और आखिरी लाइन है, वैद्यनाथ वैदों के राजा, वैद्यनाथ वैदों के राजा रक्षा करो जहान की, वैद्यनाथ वैदों के राजा रक्षा करो जहान की। उसी ट्यून में गा सकते हैं। कैसे गा सकते हैं? ओ दुनिया के रखवाले सुनो भगत की प्रार्थना, भूल क्षमा कर दो जगदीश बहुत सह लिया यातना, वैद्यनाथ वैदों के राजा रक्षा करो जहान की, वैद्यनाथ वैदों के रक्षा करो जहान की।
याद बहुत आती है कांवड़ यात्रा बाबा धाम की, याद बहुत आती है कांवड़ यात्रा बाबा धाम की। और इसके जो ट्यून थे जो बीच बीच में बजा सकते हैं आप, ऐसा ट्यून आप बजा सकते हैं जैसे यहाँ से लीजिएगा सा, ऐसा कर लिए, उसके बाद यहाँ से गरे गप गरे धरे रे धरे रे सा, सिंपल ट्यून है गरे गप गरे धरे रे सा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें डाला था अपना, यहाँ ले लीजिएगा गामा गामा मा धा 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 धामा, ये तीव्र मा। यहाँ से इस हिसाब से। अब मुझे नहीं लगता लिरिक्स की अलग से ज़रूरत है, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, ये बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा कि ये चीज़ आप लोगों को देना चाहिए। कमेंट कीजिएगा, आगे बढ़ते रहिए, देखते रहिए। जय बोले।